दिनों झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने 10वां समन भेजा है, इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी कड़ी में राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष जो है एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसमें झारखंड के विभिन्न जिलों से पहुंचे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो जुटे हुए हैं। वो आप देख सकते हैं किस तरह से हजारों की संख्या में विभिन्न जिलों से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं। और ये कहीं ना कहीं इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार जो है आरोप लगा रहे हैं कि दुर्भावना से प्रेरित होकर ईडी की ओर से लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा जा रहा है। और कई नेता जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध का रूप जो है आप देखते रहे हैं। और लगातार इस तरह के जो है विरोध प्रदर्शन इससे पहले भी देखने को मिला था, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारी 20 जनवरी को पूछताछ करने के लिए उनके कार्यालय पहुंचे थे, उसमें भी इसी तरह का प्रदर्शन देखने को मिला था। और एक बार फिर से उसी तरह का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। और राजभवन के समक्ष विभिन्न जिलों से जुटे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विधायक है भूषण तिर्की, उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग विरोध कर रहे हैं, जब 20 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ की गई थी उस समय भी कुछ इसी तरह का नजारा था। एक बार फिर से जब 10वां समन भेजा गया है फिर से आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सड़क पर आप देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि क्या हम लोग मांग कर रहे हैं, क्या नहीं मांग कर रहे हैं। बार बार परेशान करने का जो प्रयास हो रहा है, इस प्रयास से हम लोग अब जो सरकार चुनी हुई जो सरकार है ये सरकार को परेशान न किया जाए, इसी को लेकर के हम सड़क पर हैं। ये सिलसिला आप लोग लगातार जारी रहेगा? ये आंदोलनकारी पार्टी है, आंदोलन करके झारखंड अलग राज्य लिए हैं और झारखंड अलग राज्य लेने वाली ये पार्टी है, आंदोलन हम लोग का चलता रहेगा। तो क्या चाह रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारी पूछताछ ना करें? नहीं नहीं, परेशान ना किया जाए, परेशानी जो किया जा रहा है ये परेशानी ना किया जाए, बेवजह का चुनी हुई सरकार को परेशान किया जा रहा है। रघुवर दास से पूछताछ करे, बाबूलाल मरांडी से पूछताछ करे, क्यों नहीं करता उनसे पूछताछ? पूछताछ करे तब ना हम लोग समझेंगे कि इंसाफ हो रहा है, इंसाफ हो नहीं रहा है। बाबूलाल मरांडी के समय काल में घोटाला नहीं हुआ क्या? बाबूलाल मरांडी के रघुवर दास के समय में क्या यह करप्शन नहीं हुआ क्या? सब हुआ, लेकिन वो लोग क्लीन चिट। आखिर क्या बात है, इसलिए हम लोग सड़क पर है, चलता रहेगा ये सब। बिहार को लेकर बिहार में भी एक बार जो है फिर से भाजपा पलट गई है, नई सरकार बनने जा रही है। आप लोग गठबंधन था और नीतीश कुमार यहाँ पर आए हुए थे, मुख्यमंत्री से ही मुलाकात हुई थी, आप लोगों को बड़ा झटका लगा है? अब बिहार की बात हम नहीं करेंगे, हम झारखंड की बात करेंगे। अब बिहार राज्य को आंदोलन करके अलग राज्य तो बना उस जमाने में, अब इस जमाने में झारखंड अलग राज्य बना है और झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ने वाला सबसे लंबी लड़ाई लड़ने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा किया है और अभी फिर लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा लड़ाई जारी रहेगा, जब तक इनके साथ इंसाफ नहीं होगा लड़ाई जारी रहेगा, ऐसा कहना था भूषण तिर्की का, जो कि गुमला के विधायक है। और कहीं ना कहीं जितने भी जो कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं उन कार्यकर्ताओं को ये जो है संबोधित कर रहे थे। और देखिए कितनी बड़ी जो संख्या है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, वो जो है आपको कार्यकर्ताओं की दिखाई देगी, जहां हजारों की संख्या में विभिन्न जिलों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता नेता राजभवन के समक्ष पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं राज के माध्यम से केंद्र तक एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो समन भेजा जा रहा है उन्हें कहीं ना कहीं परेशान करने की जो कोशिश की जा रही है वो ना कि